नमस्कार, जय जय सियाराम। पूजा पाठ के इस परिवार में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। रुई से बत्ती बनाना कोई विशेष कार्य नहीं है, ना ही विशेष कला है, परंतु यह सबको नहीं आ पाता है। जब लोग बत्ती बनाना आरंभ करते हैं तो कभी बत्ती पतली बन जाती है, कभी मोटी बन जाती है, कभी बड़ी तो कभी छोटी बन जाती है। तो इसका उपाय क्या है जिससे बत्ती जो है एक बराबर बने, लंबाई में भी और मोटाई में भी? तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका हम आपके लिए लाए हैं। देखिए किस तरह से बत्ती बनी हुई है, एक बराबर मोटी है, एक बराबर लंबी है, और यह बत्ती जो है देखने में कितनी सुंदर लग रही है, आपस में चिपकती भी नहीं है। तो इसी तरह की बत्ती बनाना आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। इससे पहले आपसे यह निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि पूजा पाठ व्रत उपवास से संबंधित इसी प्रकार की दिव्याति दिव्य जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। वैसे ये बत्ती बनाकर सिखाने का विचार इसलिए आया है क्योंकि अब जो हमारी नित्य पूजा की बत्तियाँ हैं वो अब धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं, तो इसलिए जो है हम सोचे कि बनाना तो है ही, तो क्यों ना आपको भी दिखाया जाए कि किस तरह से बनाना है। वैसे आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से बराबर बत्तियां हैं, एक बराबर, कहीं कोई छोटी बड़ी नहीं है, और इनकी गुलाई वगैरह भी एकदम बराबर है। ऐसा लगता है कि जैसे ये बाजार से खरीदी हुई मशीन के बनाई हुई हैं, परंतु ये हाथ से ही बनाई गई हैं। तो जानते हैं कि किस तरह से जो है हाथ से बनाना है। सामग्री क्या क्या लगने वाली है, मूलभूत सामग्री रुई तो है ही, जिसके बिना बत्ती बन ही नहीं सकती। एक चौकी होनी चाहिए इस तरह से, चौकी अर्थात पाट जो लंबा लंबा होता है, चौकी में भी बना सकते हैं आप, जो चार कोने वाली होती है वैसे छोटी सी, उसमें भी बना सकते हैं, पर ये जो पाट है ये थोड़ा सा अच्छा ग्रिपिंग देता है, आपको पकड़ अच्छी रहती है इसमें, तो पाट की ज़रूरत पड़ने वाली है। पाट को हमने जो थोड़ा सा दीवार के ऊपर टिका के रखा है और नीचे से दबाएंगे, ये पूजा वाला ही पाट है हमारे, इसमें हम भोजन वगैरह नहीं करते हैं। दूसरी जो ज़रूरत है वो है अगरबत्ती की। ये इस तरह की अगरबत्ती जो होती है, थोड़ा मजबूत वाली देखिए आप, और अगरबत्ती का ये जो मसाला है, जो अगर वाला भाग है जिसमें जो जलता है, इसके मसाले को आपको छील देना है, निकाल देना है। जब आप निकाल देंगे तो वो इस तरह से बन जाएगी। ये देखिए, ये जो दिख रही है आपको, ये केवल जो है बत्ती बस है, लकड़ी बस है, तो अपने को ये लकड़ी निकाल के चाहिए। लकड़ी निकालने के बाद जो है थोड़ा सा उसको हाथ से इस तरह से अच्छे से मल दीजिए ताकि उसकी जो खुरचन वगैरह है वो निकल जाए। तो लकड़ी को रखेंगे हम बाजू में और जो हमारी रुई है उसका चुनाव करेंगे। रुई देख लीजिए इस तरह से, जो ये बत्ती बनाने वाली बाजार में मिलती है, इसी रुई का आपको चुनाव करना है। आप वैसे चाहें तो ये जो मेडिकल वाली रुई है इसको भी ले सकते हैं, ये थोड़ा कड़क रहती है, ये भी अच्छी रहती है, इसको कोई समस्या नहीं, बस ये है कि ये थोड़ा महंगी रहती है और जो बत्ती बनाने वाली रुई आती है वो थोड़ा सस्ती होती है। हम इस रुई से भी आपको बत्ती बनाकर जरूर दिखाएंगे कि किस तरह से आप जो है इस रुई के माध्यम से बना सकते हैं। अब आते हैं हम अपने बत्ती वाली रुई पर। इसमें से हमको जो है रुई का एक छोटा सा टुकड़ा निकाल लेना है। कितना बड़ा टुकड़ा निकालना है, जितनी बड़ी हमको बत्ती चाहिए। हमको चाहिए लगभग 3 से 4 अंगुल की बत्ती, तो हमने ये इतना टुकड़ा निकाल लिया। इसमें से हम थोड़ा सा रुई निकालेंगे और रुई को हल्का सा फैला देंगे इस तरह से, एकदम बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत मोटा भी नहीं रहना चाहिए, इतना ये फैला दिया हमने। ये जो लकड़ी है आपकी, ये जो आपने अगरबत्ती से निकाली है, ये एक साइड में हम रुई को रखेंगे, उसके ऊपर देखिए कोने में, इधर जो पहला वाला भाग है यहाँ हम जो है अगरबत्ती की लकड़ी रखेंगे और हल्का सा, ये देखिए, लकड़ी के साथ जो है रुई को घुमा देना है। ये लकड़ी में चिपक गई, देखिए, है ना। अब क्या करना है कि अब अपनी हाथ की सहायता से इस बत्ती को मोड़ना है। मोड़ते समय इस बात का ध्यान रखें कि ये जो आपकी लकड़ी है अगरबत्ती वाली, इसको भी आप जो है घुमाते जाइए,
ये देखिए, तीन चार बार जो है आप इसी तरह से कर दीजिए। अब करने के बाद ये एकदम इसमें से चिपक गई है, अब इसको निकालना है। निकालने के लिए दो तीन उंगली का प्रयोग कीजिए और इसको घुमाते जाइए। ध्यान रखें उंगली को बीच में रखेंगे, बहुत आगे नहीं रखना है, बहुत पीछे नहीं रखना है, बीच में रखेंगे और इसको घुमाते हुए अपनी साइड खींच लेना है। ये बत्ती आपकी तैयार हो गई। इसी तरह से हम और भी बत्तियां बना लेंगे। बहुत ही आसान तरीका है एकदम। रुई को थोड़ा सा लेना है, जितनी बड़ी बत्ती चाहिए उतनी बड़ी रुई लेना है, उसको पतला कर देना है, पाट के एक साइड में रखना है। और ये देखिए एकदम इसको पहले भाग में रख देना है और इसको घुमाते हुए ये चिपक गई इसमें। गदिया की सहायता से, आपकी हथेली जो है, हथेली की सहायता से इसको ऐसा कर देंगे, दो तीन बार कर देंगे, ये इसमें चिपक गई। अब बीच में रखेंगे, अगर पहले रखेंगे तो पूरी बत्ती इकट्ठा हो जाएगी, आगे रखेंगे तो केवल आगे का भाग निकल जाएगा, बत्ती यहीं चिपकी रह जाएगी, इसलिए बीच में रखें और अंगूठे से पकड़ लें और इसको अपनी ओर घुमाते हुए पीछे की ओर खींच लेंगे। ये देखिए हमने ये बत्ती बनाना कहाँ से सीखा, इस विषय में हम आपको बताते हैं कि वृंदावन में श्री राधा रमण सरकार जी का एक मंदिर है, राधा रमण मंदिर नाम से वो प्रसिद्ध ही है। तो वहाँ एक महात्मा जी जो है राधा रमण सरकार के लिए बत्ती बना रहे थे और वो इसी तरह से बना रहे थे, पर वो हाथ से नहीं कर रहे थे, हाथ की जगह जो है वो एक लकड़ी का और पट्टा रहता है वो उससे कर रहे थे। तो उनकी बत्ती जो है बड़ी अच्छी बन रही थी, तो हमें समझ में नहीं आया कि इस तरह की बत्ती का वो क्या करेंगे, क्योंकि वो जो बत्ती बना रहे थे वो इस बत्ती से बहुत बड़ी थी, लगभग ये समझिए आप कि वो ये इसके बराबर तो वो बत्ती ही थी। बाद में हम देखें कि राधा रमण सरकार की जो आरती हो रही है वो आरती जो है उन्हीं बड़ी बत्तियों से होती है। कभी आप इस्कॉन मंदिर गए होंगे तो देखा होगा आपने जो है कि किस तरह से जो है आरती की जाती है बड़ी बत्तियों के द्वारा। ऐसा लगता है कि जैसे वो मोमबत्ती खड़ी है और मोमबत्ती से आरती की जा रही है और वो बुझती भी नहीं है, बड़े आराम से वो धीरे धीरे जलती रहती है। तो वो जो बत्ती है वो इसी तरह से बनाई जाती है ताकि वो बत्ती जो है एकदम कड़ी रहे। बस उसको जो है गरम घी में डाल दिया जाता है और बाद में ठंडी जगह पर रखा जाता है ताकि बत्ती जो है कड़ी रहे। लगभग आज से 10 साल पहले, 11 साल पहले जब हम वृंदावन में थे तब जो है हमने ये बत्ती बनाना सीखा था। आज भी जो है ये हमारे काम में आ रही है। ये देखिए बढ़िया जो है हल्के हाथों से हमने खींच लिया, बत्ती अपने आप आ गई। ये देखिए एकदम बढ़िया बराबर बत्ती आई हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि मशीन से निकाली गई हो, है ना। अब इनको जो है हम डिब्बे में रखेंगे। इससे पहले हम आपको जो है ये मेडिकल वाली रुई से बत्ती बनाना दिखा देते हैं कि किस तरह से बनाना है। ये तो बहुत ही आसान है, इसमें परत तो बनी रहती है, बस छोटी सी परत निकालना है आपको एक। ये देखिए इस तरह से ये परत निकल जाती है। इसमें भी आप जो है और परत निकालिए क्योंकि ये बहुत मोटी परत है, आप एकदम पतली परत निकालिए। ये इस तरह से ये परत की परत इसमें निकल जाती है, तो आप ये निकाल लीजिए इस तरह से। जितनी बत्ती आपको चाहिए उतनी लंबी और बड़ी परत निकाल लीजिए। ये हमको इतनी लंबी बत्ती चाहिए, बस उसको भी कोई अलग नहीं कार्य है, उसी तरह कार्य करना है। बस ये जो है हल्का ढीला दिख रहा है ये बत्ती जो है, लेकिन ये बत्ती जो है थोड़ी कड़क रहेगी। दिखाते हैं किस तरह से, ऐसे ही चिपका लेना है और गदिया की सहायता से जो है थोड़ी सी सेवा कर देनी है और ये जो है तैयार हो गई। बस इसको जो है ये थोड़ा ज़्यादा चिपक जाती है लकड़ी में,
क्योंकि ये खुरदुरी होती है तो ये ज़्यादा चिपक जाती है, इसके लिए जो है इसको थोड़ा सा मजबूती से पकड़ना होता है और मजबूती से खींच देना होता है। ये देखिए इस तरह से, और भी दो चार बना देते हैं हम ताकि आप देखें। बस लंबी लंबी जो है इसी तरह से बनाते रहना, आपको जितना लंबा चाहिए आप उतना लंबा ही जो है रुई का ये पट्टी लीजिए और बस इस तरह से यहाँ से पकड़ करके बीच से खींच दिया आपने। ये देखिए इसी तरह से आपको बत्ती बना लेनी है। अब ये बत्ती बन करके हमारी तैयार हो गई है। इसको जो है आप चाहें तो तेल में भिगो दीजिए, आप चाहें तो घी में भिगोइए, जिससे आप भगवान की आरती करते हैं उसी पदार्थ में भिगो करके अब ये बत्ती जो है आपके दीपक में प्रज्वलित होने के लिए तैयार है। इस तरह से आप जो है अपने घर के लिए बत्ती बना लीजिए और एक ही दिन बैठकर बना लीजिए जिस दिन आपके पास समय हो, और फिर आपको रोज़ रोज़ बत्ती बनाना नहीं पड़ेगा। आशा करते हैं बत्ती बनाने का यह तरीका आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो से संबंधित अगर आपका कोई प्रश्न है, शंका है अथवा कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें अवश्य बताइए। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर अवश्य कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।